अस्सलाम वालेकुम टीम विकेट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो यार, वी आर बैक विद अनदर सैड व्लॉग। आज के व्लॉग का हमारा इरादा था कि आज हम गाड़ी के रैप को गुड बाय कर देंगे, लेकिन रात को आपके भाई का मीटर शॉर्ट हुआ और हमने गाड़ी का मीटर शॉर्ट कर दिया। इसके हाथ से हमें ये मिला, इसका मतलब है गियर माउंट्स इज नो मोर विद अस। हम चाहें तो इसको ठीक करें, बगैर गाड़ी पेंट करवा सकते हैं। गाड़ी गंदी भी बहुत हो रही है क्योंकि एक हफ्ते से गाड़ी चली नहीं है, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमजा भाई फ्रॉम लाहौर ने हमें एक बड़ी प्यारी बात की है कि जब आपकी गाड़ी पेंट हो जाए उसके बाद आपकी गाड़ी को वर्कशॉप में ना जाना पड़े। इसलिए गाड़ी का जितना भी मैकेनिकल काम है हम उसको पहले यस में फुल कर देंगे और फिर जाके हम इनमें पेंट की तरफ चलते हैं। तो आज ही सीरीज का आगाज़ होता है पेंट, और ये पूरी सीरीज हम मास्क में करेंगे। ये गुड न्यूज़ थी एक। चलिए वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। और जो गाड़ी का फ्रंट इस साइड वाला, जो उसको हम गोडा भी बोलते हैं प्यार से, वो भी आवाज़ें कर रहे हैं। तो आज हमने गाड़ी को इंशाल्लाह, आज तो नहीं हो सकता, लेकिन आज से हमने गाड़ी का मैकेनिकल काम फुल खींच देना है। और इसका पहले ये होता था कि जब आप ऐसे चलते हुए एकदम गाड़ी की रेस छोड़ो तो गाड़ी का इंजन हो गया, गाड़ी का गियर हो गया, सब कुछ एकदम कांपता था। लेकिन अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आज से हम गाड़ी का मैकेनिकल काम ओके कर देंगे, और जब तक गाड़ी मैकेनिकल हमारी ओके नहीं हो जाती तब तक हम गाड़ी का पेंट नहीं करवाएंगे। और आज से सीरीज शुरू है, और देखेंगे शायद अगर हमें इंजन ही बदलना पड़ जाए तो हम इंजन ही बदलेंगे, लेकिन तब तक हमें ये गियर वगैरह तो ओके करवाना पड़ेगा। वर्कशॉप तो वैसे ही जा रहे हैं वर्कशॉप, तो अगर वर्कशॉप जाती है हमारे पेंट वाले भाई से अगर हमारी बात बन गई आज, तो हम कोशिश करेंगे कि आज रैप वगैरह उतार के उनको गाड़ी नीचे से दिखा देंगे। हाँ भाई, गाड़ी की कंडीशन ही नीचे से, आप बताओ ये गाड़ी आप पेंट करने के लिए अपने हवाले लेते हो क्या? नहीं, ये जितनी गर्मी हो रही गाड़ी में आज हमने इसका भी इलाज कर लेना है। एसी वेंट्स तो नहीं आ सकते, लेकिन एसी हमने गाड़ी का ठीक करवा लेना है। जो पहले ही ठीक है, बस एसी की मोटर गाड़ी में नहीं है इस टाइम, वो हमने दी हुई थी ठीक होने के लिए, तो वो काफ़ी टाइम के ठीक होकर पड़ी हुई, लेकिन मेरी सुस्ती है मैं लगवाता नहीं हूँ जाके, तो आज हमने वो भी लगवा लेनी है। यार यहाँ पर टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये होगी कि पूरा ऑटो प्लाजा हमने पता कर लिया है और हमें ये गियर माउंट नहीं मिला, और अब हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बगैर तो गाड़ी चलने से कासे रहा। अब चलते हैं उस्ताद कल को एक बुरी खबर देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, और देखते हैं अब इसका क्या करना है। यार इतना बड़ा ऑटो प्लाजा हमने ढूंढा और हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं मिली भाई। बट पूजा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? यार हम आ चुके हैं वापसी वर्कशॉप, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं, हमें वो नहीं मिल रहा। और यहाँ से अगर दिखाऊँ तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से रैप उतारा है, और जो नीचे स्प्रे था उसको यहाँ से मिटाया है। जेन्युइन कलर गाड़ी का ये है, जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे पर्ल्स हैं, और होप्स गाड़ी पे अच्छा लगे, क्योंकि अभी गाड़ी पे पेंट नहीं करवा रहे। अभी हम इसको इसके जेन्युइन कलर के अंदर पहले लेके आएंगे, उसको साफ़ वगैरह करेंगे, फिर हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। ओके छोटू, यार हमें ये तो कहीं से मिला नहीं है। अब हमने इसका ये सोचा कि यहाँ से जहाँ जहाँ से टूटा है ना, हम इसमें यहाँ से इसी मोची को देखें, अगर हम इसको यहाँ से सिलवा दें तो हमारा काम हो सकता है। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं पहले। गियर माउंट हमें हमारा मिला नहीं है, तो अब जो है हमने ये भाई हमारे साथ आगे आगे जा रहे हैं, अब इनके साथ जो है हमने आगे वाले दोनों नए गोडे ले लिए हैं और नए बूट ले लिए हैं, नए इनर ले लिए हैं। बैक सस्पेंशन हमारी पहले नहीं बन चुकी थी, और फ्रंट सस्पेंशन आज नहीं बन जाएगी, और गाड़ी फुल यम पम गुड टू गो हो जाएगी।
भाई पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है, ये खेल रहा है हमारा ओपनर और ये तो पहली बॉल पे आउट हो गया है। हमारा अगला बैट्समैन आ गया छोटा भीम, अब ये छोटे भीम की बारी है। चल छोटे भीम धूम मचा दे दौलतपुर के छता दे। चलो भाई बॉल इसके तो कच्चे की ऊंची बॉल आई है। एक गाड़ी में कुछ भी काबली नहीं लगवाना, ये सब कुछ हमने नया मंगवा लिया है, हमारे बूट गोटे छोटे सब ने आ चुके हैं, गाड़ी में जाके लगवाते हैं। ये फ्रेश हमारा न्यू सामान, और अब हम यहाँ से सीधा जाते हैं उस्ताद के पास जिनको हमने अपना गेयर माउंट दिया था ठीक करवाने के लिए। ये चाचा ने हमारा काम कर दिया, फुल लकड़ एकदम पत्थर एकदम, हमारे यहाँ पे गेयर माउंट भी ओके हो गया। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, अगर ये नया मिल जाता तो क्या ही बात थी। गाड़ी का काम चल रहा है वर्कशॉप में, तो हम उतनी देर में जाके पेंट वगैरह अगर हमें कोई पसंद आते हैं तो हम कोई पेंट लाते हैं उतनी देर जाके। अब इतनी देर हम वर्कशॉप में तो बैठ नहीं सकते थे, तो हमने गाड़ी दे दी है वर्कशॉप। अब जब गाड़ी फुल जंप हम गुड हो जाएगी तो हम गाड़ी को रात को जाके ले लेंगे और फिर आपको तब बताएंगे, और अगर टाइम हुआ तो हम रात को गाड़ी का रैप भी उतार देंगे अगर टाइम हुआ। तो यार गाड़ी यहाँ पे ओके हो चुकी है, गाड़ी का आगे कर दूँ एक मिनट। गाड़ी की फ्रंट सस्पेंशन भी पूरी नई बन चुकी है, पिछली हमने पहले बनवा ली थी, और जो सिर्फ एक मसला रह गया था वो अभी भी इसमें है कि जब हम दूसरे गियर में या पहले गियर में जब इसकी रेस छोड़ते हैं ना तो ये एक झटका सा मारती है जिसके से हमारा गियर हिलता है और पूरा इंजन जो है वो पूरा अपनी जगह से इधर से उधर हो जाता है। तो एपिसोड 1 को यहीं पर ख़त्म करते हैं और गाड़ी को हम यहीं छोड़ रहे हैं, आज घर नहीं लेके जा रहे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और बस टेक केयर।